हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडिया। माई सेल्फ अंकुश शर्मा, सीनियर फैकल्टी ऑफ अभिमनु आईएएस। पोस्ट इंडिपेंडेंस की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है 55 करोड़ रुपीज़ जो हमने पाकिस्तान को दिए थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। इस इशू के बारे में आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी ने फास्ट रखा, महात्मा गांधी ने प्रेशर डाला, ये 55 करोड़ रुपीज़ पाकिस्तान को दिला दिए, ये हमें नहीं देने चाहिए थे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली में ये इशू क्या था। ओके, ये पैसा हमें पाकिस्तान को क्यों देना था। ओके फ्रेंड्स, 15th of August 1947, इंडिया को आजादी मिलती है, बट साथ में इंडिया का पार्टीशन भी हो गया और एक नया कंट्री बनता है पाकिस्तान। अब जो पार्टीशन हुआ था वो केवल लैंड का नहीं हुआ था, ये पार्टीशन आर्मी का भी हुआ था, ये पार्टीशन आर्मी इक्विपमेंट्स का भी हुआ था, ये पार्टीशन म्यूजियम लाइब्रेरी का भी हुआ था, और ये पार्टीशन कैश बैलेंस का भी हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अब इस इश्यू को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि अनडिवाइडेड इंडिया के ऊपर जब हमें आज़ादी मिली उस टाइम पर कर्जा कितना था, जिसे हम बोलते हैं सोवरिन डेट। ओके, देन एक डेटा आप समझिए, मार्च 1947, अनडिवाइडेड इंडिया के ऊपर जो डेट है ये है 2331.98 करोड़। इंडिया इस डेट को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। ओके, इसके बदले में पाकिस्तान को 300 करोड़ रुपीस पे करने थे इंडिया को। ओके, तो ये इश्यू था, पाकिस्तान इस 300 करोड़ को इंडिया को पे नहीं करना चाह रहा है। सेकंड समझिए, अब 14th of August 1947, इंडिया के पास जो कैश बैलेंस है ये है 400 करोड़ रुपीस। पाकिस्तान डिमांड करता है इसमें से कि हमें इसमें से 100 करोड़ चाहिए। इंडिया ने बोला आप जो डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा है। ओके, इसके बाद ये केस जाता है ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल ने वर्डिक्ट दिया और ये बोला कि 75 करोड़ रुपीस पाकिस्तान को मिलने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसमें से हमने क्या किया, 20 करोड़ की एक इंस्टॉलमेंट जो है वो पाकिस्तान को दे दी, तो 20 करोड़ रुपये पे कर दिए गए। अब कितना पैसा बचा, तो आप देखिए अब बचता है 55 करोड़। ये पैसा हमने रोक लिया। वाई, क्वेश्चन आया, ऐसा क्यों किया हमने? बिकॉज सेम टाइम पर पाकिस्तान कश्मीर में अटैक करता है विद द हेल्प ऑफ ट्राइबल्स, बट उसकी रेगुलर फोर्सेज भी उनके साथ थी। ओके, अगर अब हम ये पैसा पाकिस्तान को देंगे देन पाकिस्तान इसको खर्च करेगा वेपन्स के ऊपर, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये पैसा नहीं दिया। इस टाइम पर आपको, आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी फास्ट पर बैठ जाते हैं, बट अगर हम कुछ रिसर्च करें महात्मा गांधी के ऊपर, जो बुक लिखी गई हैं, ठीक है, म्यूज़ियम वगैरह में जो चीज़ें रखी गई हैं, अगर हम उनको देखते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी वगैरह में जो बुक पढ़ते हैं, तो हमें क्लियर हो जाता है कि महात्मा गांधी जो फास्ट रखते हैं दिल्ली में, ठीक है, वो कम्युनल हारमोनी के लिए भी था। ओके, हो सकता है कि इनडायरेक्टली इस फास्ट ने थोड़ा प्रेशर डाल दिया गवर्नमेंट के ऊपर। इसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट जो है ये मान जाती है और 55 करोड़ रुपीज जो है पाकिस्तान को पे कर देती है। ओके, तो मे बी इनडायरेक्ट फास्ट था महात्मा गांधी का, बट उनका फास्ट कम्युनल हारमोनी के लिए भी था। दोनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि महात्मा गांधी की इंटेंशन क्या थी। ओके, तो यहाँ पर आपको उनकी इंटेंशन को समझना है। महात्मा गांधी की इंटेंशन पॉजिटिव थी। महात्मा गांधी को लगता था कि अभी अभी दो नए कंट्री बने हैं, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दो ब्रदर हैं, अब अगर इनमें रिलेशन पहले से ही खराब हो जाएंगे तो आगे चलकर क्या होगा, इनके रिलेशन तो खराब ही होते चले जाएंगे, ये महात्मा गांधी को लग रहा है। सेकंड थिंग, महात्मा गांधी को ये भी लगता था कि दो ब्रदर हैं, ये हो सकता है बाद में साथ में फिर से आ जाएंगे, इसलिए रिलेशन को इतना खराब नहीं करना है जो आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये महात्मा गांधी की इंटेंशन थी, दैट्स वाई इनडायरेक्टली उन्होंने प्रेशर डाला था और ये पैसा हमको देना पड़ा था पाकिस्तान को। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेन इश्यू था जो हम इसको पढ़ते हैं कि 55 करोड़ रुपये दिया, ये था मेन इश्यू। ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक यू।